नमस्कार, मैं कमलेश सर एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म से। इस सेशन में हम लोग जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी जैन धर्म पर हम लोग स्टडी करेंगे। और इसके पहले हम लोग बौद्ध धर्म देख चुके हैं, तो जैन और बौद्ध धर्म दोनों नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। नास्तिक संप्रदाय से तात्पर्य है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, ओके। जबकि आस्तिक संप्रदाय से तात्पर्य है कि वे संप्रदाय के लोग जो ईश्वर में विश्वास करते थे। अब रह गई बात कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की ओरिजिन के पीछे रीजन क्या थे, कारण क्या थे कि यह नास्तिक धर्म में इनका विश्वास हुआ, यानी ईश्वर में और वेद में इनका विश्वास नहीं रहा। तो वैदिक धर्म जो आस्तिक धर्म के अंतर्गत आता है, तो वैदिक धर्म के अगेंस्ट यानी विरोध में जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ या ओरिजिन हुआ। उसके पीछे कारण यह था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों जो वैदिक धर्म में यज्ञवाद और बलि प्रथा का समायोजन हो गया, या फिर उत्तर वैदिक काल में धर्म में यज्ञवाद के साथ साथ बलि प्रथा आ गई, यानी धर्म में रूढ़िवाद उत्पन्न हो गया, यानी आप कह लीजिए जिसको कर्मकांड के दायरे में रखा जाता है, तो वह वैदिक धर्म में उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड का बहुत तेजी से एक तरह से कहिए विकास हुआ या विस्तार हुआ धर्म के अंतर्गत, जिसके द्वारा यज्ञवाद का तेजी से प्रचलन हुआ और यज्ञों में बलि प्रथा का बहुत तेजी से प्रचलन हुआ। इसके अगेंस्ट में यानी बलि प्रथा और धर्म में कर्मकांड जो व्याप्त हुआ, यानी रिचुअल प्रोसेस जो प्रारंभ हुआ, उसका छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास यानी 600 ईसा पूर्व के आसपास जो वैदिक काल का एंड होता है, यानी उत्तर वैदिक काल या आप कह लीजिए वैदिक काल जो समाप्त होता है, उसके बाद ही जो वैदिक धर्म में कर्मकांड आ गए थे या कर्मकांड का प्रवेश हो गया था, उसका विरोध प्रारंभ हो गया। और उसका विरोध करने वाले जो विचारधारा थे, वह उस विचारधारा के परिणाम स्वरूप ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, ओके। तो मुख्य कारण यही था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के पीछे, कि वैदिक धर्म में यज्ञवाद और बलि प्रथा और कर्मकांड जैसे विषयों का समावेश हो गया, जिसके कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। और यह दोनों धर्म वैदिक धर्म में विश्वास नहीं किए, वेदों को स्वीकार नहीं किए, और एक तरह से आप कह लीजिए जब वेदों को नहीं मानेंगे तो ईश्वर में भी इनकी आस्था नहीं रही। इस प्रकार यह नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत यह दोनों संप्रदाय आए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म आते हैं, और यह दोनों धर्म वेद में और ईश्वर में यज्ञ में बलि प्रथा में इनका विश्वास नहीं रहता है। तो अब आइए हम लोग जैन धर्म का अध्ययन करते हैं, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के उदय के पीछे यही कारण जिम्मेदार थे, ओके। तो छठी शताब्दी 6th century BC के पश्चात जैन धर्म का उदय हुआ, फिर बौद्ध धर्म का उदय हुआ, और बौद्ध धर्म हम लोग स्टडी कर चुके हैं, जैन धर्म को देख लेते हैं। तो जैन धर्म भी नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत है आता है, और इस धर्म के जो संस्थापक थे वह ऋषभनाथ थे। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभनाथ थे। इस प्रकार जैन धर्म के संस्थापक ऋषभनाथ थे। ऋषभनाथ की ऐतिहासिकता या प्रमाण जो कहते हैं वह नहीं मिल पाते हैं, ओके। इस प्रकार जैन धर्म के यह पौराणिक तीर्थंकर है, और जैन धर्म में जो सन्यासी थे या सेंट थे, साधु जिसको आप कहते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहते थे। इस प्रकार जैन धर्म के एक प्रथम तीर्थंकर थे, और प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे, और जिनके द्वारा जैन धर्म के संस्थापक भी
माने जाते हैं। ओके, माने जाते ही नहीं है, जैन धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अब अयोध्या में हुआ था तो यह पौराणिक ऐतिहासिकता इनकी नहीं मिलती है, इसलिए इनका जन्म कब हुआ समय के बारे में भी ज्ञान नहीं मिलता है, या समय के बारे में भी जानकारी नहीं है कि इनका जन्म किस ईस्वी में या ईसा पूर्व में हुआ। ओके, तो इनका जन्म अयोध्या में हुआ, और अयोध्या आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की भी जन्मभूमि है। अगला पॉइंट है, यह इक्ष्वाकु वंश के थे, और इनका जन्म अयोध्या में हुआ, इक्ष्वाकु वंश के थे। अब यहां पर दोनों बातों में समानता है, इक्विलिटी है। कैसे कि भगवान श्री रामचंद्र जी का भी जन्म जो हिंदू धर्म के या फिर सनातन धर्म के जो गॉड है या विष्णु के अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी, उनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था और वे भी इक्ष्वाकु वंश के थे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभनाथ का भी जन्म अयोध्या में हुआ था, यह भी इक्ष्वाकु वंश के थे। ओके, अयोध्या की भूमि पर हुआ था। उस समय समाज असभ्य और बर्बर था। जिस समय ऋषभनाथ थे या इनका जन्म हुआ, उस समय समाज सिविलाइज नहीं था, यानी सभ्य समाज नहीं था, लोग असभ्य और बर्बर थे। ओके, अनसिविलाइज थे। तो ऋषभनाथ ने लोगों को सभ्यता का पाठ पढ़ाया। ओके, और समाज के नियमों से लोगों को अवगत कराया। तो लोगों को सभ्य बनाने का कार्य ऋषभनाथ ने किया और लोगों को समाज के नियमों से अवगत कराया। ओके, और ऋषभनाथ ने जैन धर्म के नियमों से भी लोगों को अवगत कराया। आगे चलकर के ऋषभनाथ अपने जीवन के अंतिम समय में कैलाश पर्वत पर चले गए और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। अब ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभनाथ थे। ओके, इनका जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में। किस वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। इसके बाद इनकी मृत्यु कहाँ हुई, कैलाश पर्वत पर। तो यह अपने जीवन के अंतिम समय में कैलाश पर्वत चले गए और वहीं पर तपस्या के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। ओके, तो जैन धर्म में काया क्लेश यानी तपस्या पर विशेष बल दिया गया है, यानी एक मोक्ष के लिए काया क्लेश यानी शरीर को या तपस्या के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति पर विशेष बल दिया गया। इसीलिए ऋषभनाथ ने अपने जीवन के अंतिम समय में कैलाश पर्वत पर जाकर के मोक्ष की प्राप्ति की। ओके, यानी इनकी मृत्यु जो है कैलाश पर्वत पर हो गई। इस प्रकार जैन धर्म के संस्थापक को तो हम लोग देख लिए, और यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। ओके, अब हम लोग जैन धर्म में कुल ऋषभनाथ को लेकर कुल 24 तीर्थंकर हुए। ओके, उन 24 तीर्थंकरों को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन वे तीर्थंकर हैं। ओके, तो हम लोग जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकरों के बारे में देख लेते हैं, और कुछ तीर्थंकरों से संबंधित एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि उनसे रिलेट कुछ प्रतीक चिन्ह है, तो उनको भी हम लोग देख लेंगे। तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर कौन कौन है, उनको हम लोग देख लेते हैं। नंबर एक, ऋषभनाथ। ओके, अब यहां पर ध्यान रखना है कि ऋषभनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है बैल है, ऑक्स है। ओके, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और फिर नंबर दो है अजितनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है गज है, गज यानी हाथी यानी एलिफेंट। ओके, इसके बाद तीसरे जो तीर्थंकर है संभवनाथ, संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है अश्व है यानी हार्स है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर के आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौथे जो तीर्थंकर है अभिनंदन, पांचवे तीर्थंकर है सुमतिनाथ, छठे तीर्थंकर है पद्म प्रभु, सातवें तीर्थंकर हैं सुपार्श्वनाथ। ओके, सुपार्श्वनाथ। आठवें तीर्थंकर हैं चंद्र प्रभु, नौवें तीर्थंकर हैं पुष्पदंत। ओके, दसवें तीर्थंकर हैं शीतलनाथ, ग्यारहवें नंबर पर हैं श्रेयांशनाथ। ओके, बारहवें नंबर पर हैं वासुपुंजनाथ,
13वें नंबर पर है विमल नाथ, 14वें नंबर पर है अनंत नाथ, 15वें नंबर पर है धर्मनाथ, 16वें नंबर पर है शांतिनाथ, 17वें नंबर पर है कुंथनाथ, ओके, 18वें नंबर पर है अरहनाथ, 19वें नंबर पर है मल्लीनाथ। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, मल्लीनाथ इन 24 तीर्थंकरों में मल्लीनाथ ये पहले ऐसे तीर्थंकर थे जो स्त्री थी, ध्यान रखना है। मल्लीनाथ 24 जैन तीर्थंकरों में पहले ऐसे तीर्थंकर थी या थे जो स्त्री थे, तो मल्लीनाथ स्त्री तीर्थंकर थी, तो यह पाली स्त्री तीर्थंकर जैन धर्म में थी, उनका नाम मल्लीनाथ। आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और इनका प्रतीक चिन्ह है, एग्जाम में पूछा भी गया है, कलश, ओके, तो कलश है यानी जार है। इसके बाद 20वें नंबर पर है मुनि सुब्रत नाथ, 21वें तीर्थंकर है नेमीनाथ, 22वें तीर्थंकर है अरिष्ट नेमी, 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है सर्फ है, इसने, ओके। इसके बाद 24वें नंबर के हैं महावीर स्वामी, तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है सिंह है यानी लायन है। तो आपसे यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सर्फ है, स्नेक है, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सिंह है यानी लायन है। इधर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इधर प्रथम तीर्थंकर, द्वितीय तीर्थंकर, तृतीय तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह बैल, ऋषभनाथ का बैल, अजितनाथ का गज यानी हाथी, और संभवनाथ का अश्व, यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद 19वें जो तीर्थंकर है मल्लीनाथ है, यह स्त्री है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है कलश है, ओके, तो इतने इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि इसमें 23वें और 24वें जो तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, यह ऐतिहासिक व्यक्ति है यानी इनकी ऐतिहासिकता मिलती है। ऐतिहासिकता से तात्पर्य है कि इनका जन्म स्थान, ओके, मृत्यु स्थान, इनके माता, इनके पिता इत्यादि के, पत्नी इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए यह दोनों ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, यानी 23वें नंबर 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर ऐतिहासिक हैं, जबकि 22 से 1 से लेकर 22 तक के जो तीर्थंकर हैं यह पौराणिक हैं, जैन अनुश्रुतियों में इनका उल्लेख मिलता है, ओके। अब अगला पॉइंट और एक और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, 22वें तीर्थंकर जो अरिष्ट नेमी थे, 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी यह भगवान कृष्ण के समकालीन है यानी सखा है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भगवान कृष्ण के समकालीन कौन तीर्थंकर है, तो अरिष्ट नेमी, ओके। तो इस प्रकार यह 24 तीर्थंकर थे, आप लोग इन तीर्थंकरों को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को देखते हैं, ओके। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ओके। इनका जन्म हम लोग देख लेते हैं, इनका जन्म काशी में हुआ था। काशी 16 महाजनपदों में सबसे प्राचीन महाजनपद था या नगरी भी आप कह सकते हैं, ओके। और यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में काशी यानी वाराणसी के नाम से जाना जाता है या फेमस है, प्रसिद्ध है, ओके। इनके पिता यानी फादर का नाम, इनके पिता का नाम अश्वसेन था, राजा अश्वसेन थे, ओके। एंड मदर नेम वाज, माता का नाम वामा देवी था, माता का नाम वामा था, और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था, यानी इनका विवाह प्रभावती देवी के साथ हुआ था, और यह कुशस्थल की राजकुमारी थी, ओके। कुशस्थल के राजा की यह बेटी थी या पुत्री थी, राजकुमारी थी। अब पार्श्वनाथ का गृहस्थ आश्रम में मन नहीं लगता था, क्योंकि बचपन से ही वह आध्यात्मिक विचारधारा के थे, ओके। आध्यात्मिक विचारधारा के कारण
गृहस्थ आश्रम में यानी सांसारिक जीवन में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया और गृह त्याग कर तपस्या के लिए सम्मेय पर्वत पर चले गए। ओके, सम्मेय पर्वत पर जाकर के यह तपस्या किया। यह सम्मेय पर्वत वर्तमान में अगर देखा जाए तो झारखंड स्टेट में पड़ता है। तो यह सम्मेय पर्वत पर चले गए, वहां जाकर के इन्होंने तपस्या किया और फिर ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात 70 वर्ष की उम्र तक यानी 70 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ओके, जैन धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार किया, जैन धर्म के सिद्धांतों से लोगों को अवगत कराया। ओके, तो आगे बढ़ते हम लोग। इन्होंने पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने जैन धर्म में 4 महाव्रत को जोड़ा। आप ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें नंबर 1 है सत्य, नंबर 2 है अहिंसा और नंबर 3 है अस्ते और नंबर 4 है अपरिग्रह। ओके, सत्य से तात्पर्य है जैन धर्म का मानना था सत्य के मार्ग पर चलिए, सदा सत्य अपनाइए, सदा सत्य बोलिए। अहिंसा, नॉन वायलेंस। ओके, हिंसा के ये विरोधी थे और अहिंसा पर सबसे अधिक बल दिया गया जैन धर्म के द्वारा। ओके, क्यों? क्योंकि वैदिक धर्म या सनातन धर्म के अगेंस्ट में जैन धर्म का ओरिजिन हुआ था, क्योंकि ये लोग हिंसा के विरोधी थे और सनातन धर्म में यानी वैदिक धर्म में जो यज्ञवाद का प्रचलन हो गया और बलि प्रथा का प्रचलन हो गया, जिसका इन्होंने विरोध किया। ओके, तो एक तरह से वैदिक धर्म में जो विकृतियां आ गई या रूढ़िवाद व्याप्त हो गया या कर्मकांड व्याप्त हो गया, उसका इन्होंने घोर विरोध किया, निंदा किया। इनका मानना था कि जीवों की हत्या एकदम न किया जाए। ओके, इसलिए इन्होंने वेदों की, जैन धर्म के लोगों ने वेदों के प्रमाणिकता और यज्ञों के प्रमाणिकता पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, यानी वेद की प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं किया। जब वेद की प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर ईश्वर के भी प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं करेंगे, यानी न ईश्वर में विश्वास करेंगे और न वेद में विश्वास करेंगे। इसलिए सबसे अधिक बल इन्होंने अहिंसा पर दिया कि छोटे से छोटे जीव की भी हत्या न हो। ओके, आगे यह कहते हैं अस्ते, चोरी न करना, यानी बिना पूछे किसी से किसी का सामान न लेना यानी चोरी न करना। अगला जो पॉइंट है फोर्थ थिंग का, जो 4 महाव्रत में 4th महाव्रत जो है अपरिग्रह यानी धन का संग्रह न करना। धन का संग्रह न करने से तात्पर्य यह नहीं है कि धन का एकदम संग्रह न करना, यानी यहाँ धन का अधिक संग्रह न करना। अपनी आवश्यकता जितनी है उतना ही धन का आप संग्रह करिए, स्टोर करिए और शेष जो सरप्लस आपके पास मनी है, धन है, वह अन्य जो आवश्यकता मंद लोग हैं या निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको क्या कर दीजिए, दान कर दीजिए। तो यह पार्श्वनाथ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जैन धर्म में 4 महाव्रत को जोड़ा, सत्य है, अहिंसा है, अस्ते है और अपरिग्रह है, इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद पार्श्वनाथ ने कठोर तपस्या पर बल दिया। ओके, कठोर तपस्या के पर बल दिया और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने का इन्होंने आदेश दिया या बल दिया और उसके द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और कठोर तपस्या से तात्पर्य है काया क्लेश। जैसे आगे हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म में कठोर तपस्या के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, संलेखना। संलेखना विधि के द्वारा यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति जैन धर्म में कही गई है। ओके, तो यह थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर को, अब हम लोग देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के अगले तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर होने के कारण इनके इन्होंने जैन धर्म को एक विस्तृत स्वरूप प्रदान किया, उसके सिद्धांतों को विस्तृत बनाया, उनके नियम को भी विस्तार दिया और पूर्व से जो नियम तीर्थंकरों के द्वारा
दिए गए थे, बनाए गए थे, उन्हें विस्तृत स्वरूप प्रदान किया, उन्हें व्यवस्थित रूप प्रदान किया, जिसके कारण इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था महावीर स्वामी का, और यह क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे। ओके, ये क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे, और जन्म का जो स्थान था वह कुंडग्राम, यानी कुंडग्राम कुंड विलेज में हुआ था, और यह कुंडग्राम पड़ता है वैशाली में। वैशाली वर्तमान में बिहार स्टेट में पड़ता है या बिहार राज्य में स्थित है। ओके, तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनके माता का नाम त्रिशला था, और इनका विवाह यशोदा के साथ हुआ था। इस प्रकार इनकी पत्नी यशोदा थी, और इन्हें आगे चलकर के एक पुत्री प्राप्त हुई या पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा या जिसका नाम था अरोज्य अथवा प्रियदर्शना। तो इन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम अरोज्य अथवा प्रियदर्शना था, और इस पुत्री का विवाह जमाली के साथ किए थे, यानी यह जमाता यानी इनके दामाद जमाली थे। ओके, अरोज्य का विवाह जमाली के साथ किए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि महावीर स्वामी का मन गृहस्थ आश्रम में नहीं लगता था, यह आध्यात्मवाद की तरफ इनका ज्यादा झुकाव था, इसलिए अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए। ओके, यानी घर छोड़ दिए, त्याग दिए, 30 वर्ष के उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिए, और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किए। ओके, 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किए, यानी 30 वर्ष में गृह त्याग किए, 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किए, यानी 42 वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओके, तो ज्ञान का स्थान हम लोग देख लेते हैं कि इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। तो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ जुम्बिक ग्राम, यानी जुम्बिक जो विलेज था वहां पर, और साल के वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या किया था, और ऋजुपालिक नदी के किनारे। ओके, तो इन्होंने महावीर स्वामी ने जो ज्ञान की प्राप्ति किया, यानी तपस्या किया, मेडिटेशन किया, एनलाइटमेंट अचीव किया, वह ऋजुपालिक नदी के किनारे जुम्बिक ग्राम में और साल के वृक्ष के नीचे। ओके, तपस्या किए, कठोर तपस्या 12 वर्ष तक इन्होंने किया, इसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति होने के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी तब इन्हें ज्ञान हुआ, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य प्राप्त हुआ, जिसके कारण जब इन्हें ये ज्ञानी हो गए, एनलाइटमेंट अचीव कर लिए, ज्ञान हो गया, तो इन्हें केवलिन कहा गया। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी को ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात केवलिन कहा गया, यानी ज्ञानी व्यक्ति। ओके, इसके बाद इन्हें निग्रंथ भी कहा गया। निग्रंथ से तात्पर्य है सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना। ओके, जब सांसारिक बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है, तो उसे निग्रंथ कहते हैं, यानी बंधन रहित, किसी प्रकार के बंधन में अब नहीं है। इसके बाद इन्हें जीन भी कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है यह टर्मिनोलॉजी, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कैवल्य, निग्रंथ और जीन। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात इन्हें जीन भी कहा गया। जीन से तात्पर्य विजेता, किस तरह का विजेता, तो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना, यानी अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेना, और जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया उसे जीन अथवा विजेता कहते हैं। तो इनके लिए शब्द का ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्हें केवलिन कहा गया, निग्रंथ कहा गया, और जीन अथवा विजेता कहा गया। तो इंपॉर्टेंट यह टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना है। इसके बाद इन्होंने जैन धर्म में पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, हमेशा ये पूछा जाता है, पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया। तो पंच महाव्रत क्या था, क्योंकि 23वें तीर्थंकर जो है 4 महाव्रत का सिद्धांत दिए थे, हम लोगों ने देखा है। तो इन्होंने पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया, और पंच महाव्रत में
चार महाभारत में इन्होंने क्या जोड़ करके पंच महाभारत कर दिया उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पंच महाभारत में सत्य है नंबर वन, नंबर दो अहिंसा, नंबर तीन अस्ते, नंबर चार अपरिग्रह और नंबर पांच ब्रह्मचर्य। यही ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ करके इसे पंच महाभारत का सिद्धांत किया। यह आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जैन धर्म के चार महाव्रतों में कौन सा व्रत जोड़ा, तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा। ब्रह्मचर्य को जोड़ा, ब्रह्मचर्य से तात्पर्य आजीवन अविवाहित रह करके बौद्ध धर्म के जो ज्ञान है और जो शिक्षा है ग्रहण करना और उन उपदेशों को लोगों से अवगत कराना, यानी भिक्षु जीवन व्यतीत करना ब्रह्मचर्य रह करके। तो यहाँ पर इन्होंने पंच महाव्रत में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा और सबसे अधिक बल अहिंसा पर दिया गया। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने भी सत्य के बाद अहिंसा पर सबसे अधिक बल दिया। छोटे से छोटे जीव की भी मृत्यु ना हो, इसीलिए जैन धर्म में आप लोग देखेंगे नाक पर पट्टी, मुंह पर पट्टी लगा करके चलना है, क्योंकि हवा में भी छोटे छोटे जो एयर, हवा में जो कण है या बैक्टीरिया है, उनका भी मुंह में नाक में जाने से उनकी भी मृत्यु ना हो। इसके बाद पैर से भी छोटे से छोटे जीव दब करके मृत्यु ना हो। तो अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है जैन धर्म में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे यहां तक कहा गया है जल को छान करके पीना, क्योंकि जल में भी अगर बैक्टीरिया इत्यादि है तो पेट में जाएगा पीने पर, ड्रिंक करने पर, तो उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इन्हें अहिंसा पर बल दिया गया और जैन धर्म के सिद्धांत अहिंसा पर इतना अधिक बल दिया गया कि यहाँ तक कहा गया कि मलमूत्र का परित्याग करने के लिए भी पहले ग्राउंड यानी जमीन को साफ किया जाए और इसके बाद तब मलमूत्र का परित्याग किया जाए, कि जिससे मलमूत्र का परित्याग करने के पश्चात भी छोटे छोटे जीव या बैक्टीरिया की मृत्यु न हो। तो इस तरह से जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया और महावीर स्वामी ने, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य पंच महाव्रत का जो सिद्धांत था उसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया और उसे पंच महाव्रत का सिद्धांत किया या ब्रह्मचर्य का पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया। तो चतुर्थ या चार महाव्रत का जो सिद्धांत था उसे ब्रह्मचर्य को जोड़ करके पंच महाव्रत का इन्होंने सिद्धांत जैन धर्म में दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी ये है कि सत्य से तात्पर्य सदा सत्य अपनाना है, अहिंसा हिंसा न करना है, इसके बाद अस्ते चोरी नहीं करनी है या कि बिना पूछे किसी का सामान नहीं लेना है, अपरिग्रह धन का अधिक संग्रह नहीं करना है, उतना ही धन का संग्रह करना है जितना व्यक्ति को जरूरत है, शेष निर्धन गरीबों की मदद अथवा सहायता कर देनी है और लास्ट जो है पांचवा ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य रह करके रहने की बात कही गई है जैन धर्म में, तो यह ब्रह्मचर्य में जो सिद्धांत को जोड़ा गया। अगला पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, कर्म फल। अब यहां पर जैन धर्म में डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ यानी पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है और कर्म फल के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। इसके बाद ईश्वर को नहीं माना गया है, सबसे अधिक बल आत्मा पर दिया गया है, आत्मा को इन लोगों के द्वारा जैन धर्म के द्वारा स्वीकार किया गया है लेकिन ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। तो कर्म फल को देख लिया जाए तो कर्म फल की इनका भी मानना है कि पूर्व जन्म में इस जन्म में जो कर्म व्यक्ति करेगा उसके अकॉर्डिंग उसका जन्म होगा यानी रीबर्थ होगा, पुनर्जन्म होगा। इसलिए अपने कर्म फल से बचने के लिए इन्होंने त्रिरत्न के पालन की बात कही। तो जैन धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिरत्न का सिद्धांत। और त्रिरत्न में क्या है, नंबर एक सम्यक श्रद्धा, नंबर दो सम्यक ज्ञान और नंबर तीन है सम्यक आचरण। तो यह त्रिरत्न के पालन करने की बात कही गई है कि त्रिरत्न का पालन किया जाएगा तो उससे क्या होगा, कर्म फल से बचा जा सकता है। इसके बाद जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठोर काया क्लेश की बात कही गई है और उसके लिए संलेखना का प्रयोग किया गया है या संलेखना विधि का प्रयोग किया गया है। संलेखना से तात्पर्य है शरीर को
कठिन तपस्या के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करने की बात कही गई है। ओके, तो यह जैन धर्म के जो त्रिरत्न है और जैन धर्म में सलेखना जो शब्द है जो सलेखना का सिद्धांत है यह मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता दिखलाता है, यानी कठोर तपस्या के द्वारा मोक्ष के प्राप्ति की बात कही गई है। तो यह है संलेखना। आगे हम लोग देखते हैं जैन धर्म में अनेकांतवाद का सिद्धांत भी दिया गया है जिसे स्यादवाद अथवा सप्तभंगी भी कहते हैं। ओके, तो सप्तभंगी का सिद्धांत अथवा स्यादवाद अथवा अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया गया है। यह सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। ओके, स्यादवाद भी करके पूछ देता है। तो यह अनेकांत अथवा स्यादवाद अथवा सप्तभंगी का सिद्धांत क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सात चरण बताए गए हैं। नंबर एक है, नंबर दो नहीं है, नंबर तीन है और नहीं है, नंबर चार कहा नहीं जा सकता है, नंबर पांच है किंतु नहीं कहा जा सकता, नंबर छह नहीं है और कहा जा सकता है। ओके, नंबर सात है, नहीं है और कहा जा सकता है। ओके, तो यह सप्तभंगी सिद्धांत है, इनकी सात कड़ियां हैं, इसी के आधार पर इसे सप्तभंगी अथवा अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया, यानी शायद है स्यादवाद। इसलिए कहा गया कि किसी वस्तु का अस्तित्व अगर पूछा जाता है तो जैन धर्म में यह कहा गया है कि जब तक केवलिन न हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए, कैवल्य की प्राप्ति न हो जाए, तब तक उन्हें इन सात चरणों का, इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। ओके, कि उस शायद उस वस्तु का अस्तित्व है भी, शायद उस वस्तु का अस्तित्व नहीं भी है, शायद शायद है और नहीं है, शायद कहा नहीं जा सकता, शायद है किंतु नहीं कहा जा सकता, शायद नहीं है और कहा जा सकता है, शायद है नहीं है और कहा जा सकता है। तो यह सात स्टेप बताए गए हैं, सात चरण बताए गए हैं, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह है जैन धर्म के सिद्धांत भी हम लोग देख लिए और जैन धर्म के त्रिरत्न भी हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी कुल 72 वर्ष तक जिंदा थे और 42 वर्ष में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई और 72 वर्ष तक के उम्र तक उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया या जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, अहिंसा पर विशेष बल दिया, ब्रह्मचर्य पर विशेष बल दिया। ओके, और इसके बाद महावीर स्वामी से पहला जैन धर्म के सिद्धांतों पर मतभेद जो हुआ था उनके जमाता यानी दामाद जमाली से ही हुआ था। ओके, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है। अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं कि महावीर स्वामी 72 वर्ष तक जिंदा थे और 468 ईसा पूर्व में पावा के सृष्टि राजा सृष्टिपाल के महल में उनकी मृत्यु हो गई। ओके, और महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात जैन संगीति का आयोजन या संगीतियों का आयोजन किया गया और उस जैन संगीतियों में जैन धर्म के जो नियम थे, जैन धर्म के जो सिद्धांत थे, उनको संकलित किया गया। तो हम लोग देख लेते हैं कि जैन धर्म की संगीतियां। ओके, तो जैन धर्म की प्रथम संगीति को हम लोग देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रथम संगीति का जो समय है 298 ईसा पूर्व है। ओके, स्थान पाटलिपुत्र है, स्थान जो है पाटलिपुत्र में हुआ, अध्यक्षता इसकी की है स्थूल भद्र। तो प्रथम बौद्ध संगीति 298 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र और अध्यक्षता इसकी की है स्थूल भद्र। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि इस प्रथम जैन संगीत में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। ओके, दिगंबर और श्वेतांबर अब दो भागों में विभाजित हो गया, इसलिए कि महावीर स्वामी जो कठोर तपस्या किए 12 वर्ष तक, तो वह उन्हें ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई तो वह वस्त्र का परित्याग कर दिए। ओके,
तो जब इस प्रथम पौष संगीत में जो आयोजन हुआ तो इसमें दो विचारधाराओं में विभाजित हो गया। जैन धर्म के जो लोग थे यानी डिसाइपल थे, अनुयायी थे, दो गुटों में विभाजित हो गए या दो विचारधाराओं में, नंबर एक दिगंबर और नंबर दो श्वेतांबर। दिगंबर वे लोग थे जो वस्त्र धारण न करने के पक्ष में थे, यानी स्वामी महावीर स्वामी के द्वारा जो नियम बनाए गए थे उनका अक्षरशः पालन करने के पक्षधर थे, जबकि श्वेतांबर परिवर्तनवादी थे। इन लोगों का मानना था कि नहीं, श्वेत वस्त्र धारण किया जाए, यानी वस्त्र धारण करने के पक्ष में थे। तो इस बात को लेकर के जैन धर्म में दो गुटों में विभाजित हो गया, या जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। तो यह है प्रथम जैन संगीति। ओके, अब 512 ईस्वी में द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया गया। स्थान है, प्लेस है बल्लभी पड़ता है गुजरात में। ओके, तो 512 में द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में, और इस संगीति की अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रमण के द्वारा किया गया। तो यह इंपॉर्टेंट है कि इसकी अध्यक्षता, द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रमण के द्वारा किया गया। स्थान बल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस संगीति में जैन धर्म ग्रंथों का संकलन किया गया। ओके, यानी जैन धर्म ग्रंथ जो है अंग और उपांग उन सभी का इसमें संकलन किया गया। तो यह जैन धर्म था, हम लोग डिटेल डिस्कस किए हैं, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग अगले भाग में मिलते हैं।